हरियाली तीज तक बारिश के चलते प्रकृति में बिखरी हरियाली छटा हर किसी को आनंदित कर रही है। वहीं तीज को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। तीज के अवसर पर शहर भर में पतंगें उड़ाई गईं। इसके लिए मंगलवार की रात तक पतंगों की दुकान पर भीड़ लगी रही। वहीं मिठाई की दुकानों पर विभिन्न प्रकार के घेवर आदि मिठाई की भी जमकर बिक्री हुई। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर 7 अगस्त को मनाए जाने वाले हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिनें 16 श्रृंगार करती हैं। बहुत सी महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को माता पार्वती की पूजा करने के साथ तीज की कथा सुनने की परंपरा है। पतंग विक्रेता का कहना है कि पतंग की दुकानदारी इस बार अच्छी है। पिछले साल की तुलना में इस बार पतंग उड़ाने वालों में उत्साह है। बाजार में विभिन्न दुकानों पर बिक रही पतंगों के रेट भी साइज और डिज़ाइन के अनुरूप हैं। बच्चे 5 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की पतंग खरीद रहे थे। बावल शहर में पतंगों को उड़ाने के लिए डोर बरेली, जयपुर और दिल्ली से आती है। डोर की चरखी 500 रुपये से लेकर 1500 व 2000 रुपये तक में बिकी। हरियाली तीज का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाओं को आज भी हरियाली तीज पर झूला झूलना याद आता है। तीज का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। एक ऐसा समय भी था जब झूलों के बिना हरियाली तीज को अधूरा माना जाता था। आधुनिकता ने तीज के महत्व को कम कर दिया है। समय के साथ हमारे त्योहारों में भी बदलाव आया है। 10 दिन पहले से ही तीज की तैयारियां शुरू हो जाती थीं। कुंवारी लड़कियों के लिए सिंधारा और शादीशुदा महिलाओं की कोतली देने का प्रचलन था, परंतु नई पीढ़ी में अब वो आनंद और उत्साह देखने को नहीं मिलता। पहले घरों में मीठा तीज पर ही बनता था। पहले बिना झूले के नहीं मनाते थे हरियाली तीज। पहले के समय में नई ब्याही महिलाएं सावन की शुरुआत होते ही अपने मायके आ जाती थीं। यहाँ पर वो अपनी सहेलियों के संग मिलकर सावन और तीज का त्यौहार मनाती थीं। इसकी तैयारी एक महीने पहले ही शुरू हो जाती थी। नीम, बरगद या पीपल के पेड़ में झूला बांधकर उसे फूलों से सजाकर तैयार करती थी। सुकंतला है, रहने वाली बावल की हूँ। है जी, जैसे सरे से बड़े बुढ़े की मतलब परंपरा चलती आ रही है, वो ही हम भी निभा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई कोई भाई के नाम से बोए जाते हैं कि मेरे भाई की बेल बधे, भाई का मतलब है भाई आगे आगे परिवार बढ़ता जाए, इसलिए ये चढ़वा की करी जाती है। तो जी जन्म लिया ना तब से ही सुनते आ रहे हैं, ये करते भी आ रहे हैं। मार को लेके बहन बेटी आते हैं, लड़कियों को बुलाते हैं तीज पे, सीधा कोथड़ी पहुंचाते हैं सबको, भाई मान तान किया जाता है बड़े बूढ़े की भी, बहन बेटी का भी। ये त्योहार सबसे ज्यादा बहन बेटी का होता है, फर्क है। पहले तो इससे ज्यादा मान्या करते, अब तो बहुत कम हो गया। जैसे लड़की भी आना बंद होगी, नहीं पहले तो बहुत ज्यादा मान्या करता इस त्योहार को। ऐसे लड़की आती थी, झुंड का झुंड परिवार में लड़की आया करती, सुंदर लग्या करती, गहने कपड़े पहन के आया करती। अब तो ऐसे ही आ जाते हैं। अब काफी डले भी हैं, काफी नहीं भी डले, ऐसा ये कहीं डल गया कहीं नहीं डला। वाली रिवाज थी वो नहीं है, आधी भी नहीं रही। पहले तो बहुत था, 60-60 की साल की लेडीज थी, सब झुल्या करती, सब कट्ठी रहा करती, बच्चों के पास रहा करती। अब कौन रहता है इस जमाने में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ज्योति शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं यहां बावल की निवासी हूं और आज हम सारे यहां पर झूला झूलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आज तीज का त्यौहार है, तो ये हमारी संस्कृति और परंपरा के अंतर्गत है कि औरतें जो हैं नाच गाकर जो हैं झूला झूलकर अपने मन के भाव जो हैं अपनी संस्कृति के बारे में बताने का प्रयत्न करती हैं। और आज हम सारे यही इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ की महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सब लोग अपनी संस्कृति की पहचान जो है यहाँ पर बनाए रखने के लिए हम एक इकट्ठे हुए हैं, ताकि ये जो एक परंपरा चली आ रही है, ये परंपरा आने वाली पीढ़ी को भी जो है पता चल सके कि हमारी संस्कृति के अंदर क्या है, हमारे परंपराएं क्या रही हैं। और इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए आज हम झूला झूलने के लिए यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। सर, ऐसा तो नहीं है, सब जगह हम ऐसा नहीं कह सकते। गांव के अंदर ये संस्कृति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हो। मेरा नाम ईशान शर्मा है, मैं मोहल्ला गुंजरान चौक से। आज का त्यौहार तो हर साल आता है, लेकिन इस बार थोड़ा इसलिए विशेष है कि मौसम की विशेष मेहरबानी है, धूप नहीं है और सुबह से ही बहुत अच्छी हवा चल रही है और सुबह से और शाम तक पूरा
हमने जन्म लिया तब से हमारे पिताजी उड़ाते थे पतंग, उसके बाद हम उड़ाते हैं, अब हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं, ये परंपरा चली आ रही है। और हम तो जैसे छत पे सुबह चढ़ते हैं शाम को उतरते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है कि हर चीज़ को धूप में उड़ानी पड़ती है, इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छा मौसम त्यौहार पे, तो हर त्यौहार पे थोड़ा सा, तो अब पहले वाला जैसा त्यौहार नहीं रहा। अब जैसे शाम को ज़्यादा उड़ती है, दोपहर में लोग अपने मंडी भी बंद नहीं रहती है, शाम को आते हैं बाजार वाले, पहले तो सुबह से शाम तक बंद ही रहता था किसी, तो जब हम देखते थे तो सब्जी वाले अपने भाई सब्जी भी लगाते थे, पतंग उड़ाते थे, हमारे मोहल्ले में सैनियों का मोहल्ला है तो उसमें भी अब शाम को उड़ाते हैं, थोड़ा कम तो हुआ है थोड़ा सा ना। मेरा नाम हैप्पी है, मैं बावल का रहने वाला हूँ, मैंने पतंग की दुकान कर रखी है बावल में। अच्छा काम था, पहले से सही था, पर ये है कि दो दिन से पहले कुछ पता ही नहीं था कि तीज भी है, बट दिन के दिन अच्छा सही काम था।